नमस्ते जी, और कैसे हो? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जी, बहुत बरसात हुई है, मौसम मस्त हो रहा है और अच्छा हो रहा है। अभी अंधेरा सही हो रहा है, कल बहुत तेज बारिश हुई तो इतना गंद हो रहा है सारा। तो अब झाड़ू लगा रही हूँ, बस चाय पी के अंदर मकान में लगा ली झाड़ू, तो बस अब लगा रही हूँ बाहर। बहुत नीम के पत्ते वगैरह, गंद इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बस अब झाड़ू लगा के फिर नहाऊंगी। 7:45 हो रहे हैं, तो बस चलिए झाड़ू लगाती हूँ। बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने 2 टमाटर छोटे छोटे, हरी मिर्च और प्याज काटा है, 2 छोटे छोटे प्याज काटे, और ये रखी ठंडी रोटी रात की, तो मतलब बच गई है। एक चुपड़ी है, 2 कोरी रोटी है, तो इसको वैसे तो भैंस को दे देती हूँ, लेकिन इसका नाश्ता भी बहुत अच्छा बनता है, तो आज मैं ठंडी रोटी का बना रही हूँ नाश्ता। तो ये बेसन छान लिया मैंने, तो थोड़ा बेसन घोड़ कर और अभी बनाती हूँ, फिर आप देखिए आप कैसे बनाते हैं। और आप ऐसे बना के खा सकते हैं, ठंडी रोटी रखी है कई बार काम नहीं आती, वैसे दे दो भैंस को, दे दो गायों को, दे दो, पर अगर ऐसे इसका नाश्ता भी बनाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। रोटी पे बेसन लगा दिया, घोल पेस्ट इसका, तो एक तरफ से सिक रही है थोड़ी, और फिर उसके साइड में पलट दूंगी इसको जब तक थोड़ा टाइट हो जाएगा बेसन हमारा। तो इस तरह से बना और एक बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है, लग नहीं रहा कि ये रोटी का चीला है। तो इस तरह से नाश्ता हमारा हो जाएगा तैयार, और साइड में थोड़ा सा लगा दूंगी देसी घी, ताकि हमारा अच्छे से अंदर से उधर से रोटी अच्छी सिक जाएगी, तब मैं इधर से इसको पलट दूंगी। इस तरह से भी सिक चुका है, बन गया बिल्कुल पिज्जा जैसा, देखिए बिल्कुल पिज्जा लग रहा है दोनों साइड से। और आप बोल सोचोगे नहीं कि ये रोटी का है, वासी रोटी का, बिल्कुल पिज्जा लग रहा है दोनों साइड से, इधर से भी। कितने लंबी? 2.5 फुट। सवा दो फुट गया है ये, और ये इन्हीं के खेत में करिए इन्होंने, वीडियो बन गया। यही किसान है पैदा करने वाले। इंजेक्शन लगाया कि खाद डाला? नहीं, बिना खाद। ये बिना खाद की गया है हमारी, और ये मेहनत की, और ये कह रहे हैं और भी लंबी हो जाती, लेकिन अभी तो जल्दी तोड़ ली हमने, क्योंकि वजन बहुत हो गया था बेल में। तोड़ के लाई है अभी, तो देखिए लंबा है कितना साज, और मतलब बिल्कुल कच्चा है अभी, वही और भी बढ़ेगा अभी बढ़ता, लेकिन ये तोड़ के ले आई कम से कम एक हाथ से भी लंबा ही जा रहा है। मेरा हाथ फुल लंबा है, मेरा हाथ सबसे लंबा मेरा हाथ है हमारे घर में, और उससे भी लंबा किया जा रहा है ये। और देखिए कितना ताजा घिया, और सब्जी भी इसकी इतनी अच्छी बढ़ती है, और देखिए बिल्कुल कच्चा है अभी, पका भी नहीं है। तो ये है हमारे गाँव के खेतों का कमाल, और बहुत अच्छी सब्जी भी टेस्टी बनती है इसकी, और कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है, देसी खाद डाला था, जो गोबर का खेत डालते हैं वो गोबर का जो खाद डालते हैं कोई खाद डाला था, बाकी कोई खाद जैसे कहते हैं कि इंजेक्शन से बढ़ाते हैं ऐसे कुछ नहीं है, ये तो हमारे सामने की बात है। पहले हम दिल्ली रहते थे तो हम सोचते थे कि भाई लौकी में इंजेक्शन लगता है तब पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लौकी ऐसी ही बढ़ी है हमारे खेत में, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बढ़ गई, और एक और बढ़ रही है अभी, अभी उसको पढ़ने देंगे जब बीज बन जाएगा उसी का, इसके तरह से इसमें से तो कट करके दो घरों की सब्जी बन जाएगी, 3 घरों की सब्जी बन जाएगी। तो ये हमारा खेत का कमाल, और ये बीज का कमाल, ये बीज बहुत अच्छा है, इतना लंबा लौकी,
मैंने तो देखी, मतलब देखी देखती थी, लेकिन हमने अब पहली बार देखी कि हमारे खेत में आई है। ये लाली तोड़ के लाई थी। क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल बारिश का, बिल्कुल आंधी आंधी हो गया और हॉल तक पूरा पानी पानी हो गया है। देखिए क्या अंधेरा हो रहा है पूरा। जबरदस्त बारिश हो रही है। आज बहुत तेज है आंधी, ज्यादा आंधी की वजह से थोड़ा फसल को बहुत नुकसान होगा और कुछ नहीं है। ये देखिए कितना तेज हवा आ रही है और बारिश बहुत तेज है। तो आज हम आए छत पे और पानी भर गया था, तो छत पर पानी निकालने आए। तो ये बोल रहे हैं कि रात नहाने लायक बारिश है, तो इनके यहाँ क्या खेत है, मतलब पीछे तो नाला बोलते हैं उसको, तो फुल भर जाता है, तो उसमें नहाते हैं और मतलब बहुत सारे खेतों का पानी उसी में जा रहा है। तो हमारे छत पे पानी इतना जा रहा है जैसे कोई का दो चार इंजन चल रहे हों। तो हम आ गए छत पे और बरसात के मौसम का आनंद ले रहे हैं और नहाने का आनंद ले रहे हैं। नहाए तो लेट है, जब छत भरी जब आए ऊपर, नहीं तो जब नहा लेते तो सही रहता। और नीचे का पानी भी निकालना है, अभी बहुत भर गया है फुल। तो हम छत पे ही हैं अभी और अभी बरस रही है, अभी रुक नहीं रही है। नावाड़ा मौसम हो रहा है, बहुत तेज बारिश आई है और अब मेरा मन कर रहा है नहाने का, क्योंकि छत पर पानी भर गया। तो मैं आई थी छत का पानी निकालने और ये भी आए थे, ये तो चले गए नीचे, नीचे जा गया था हमारे इधर पानी। तो बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और अच्छा लग रहा है बहुत। और अभी बरसेगी तो, अब दोबारा बरसेगी तो नहाऊंगी मैं। तो आप लोगों को भी बोल रही हूँ आइए नहाते हैं और चलिए हम नीचे रुकती हूँ, नीचे का संभालती हूँ। तो हम जा रहे हैं खेतों में और गांव की गलियों का ये देखो क्या हाल हो रहा है। पानी पानी बरसात का था ही, तो ये नहाने धोने इनके भी भारी आ रहे हैं सबके। खाना है जिनमें दूध भैंस बन रही है, रोटी भी बना सकते हैं और ये गली है। हाँ तो ये कौन है दबरान है, ये गांव की गली गली खराब हो रही है सारी, पानी आ रहे हैं नहाने धोने के बाहर, रास्ता निकलने को नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चल रहे है मेरे आगे आगे। इधर ऐसे खेत भी हैं बीच में, घरों के बीच में एक खेत भी है जहाँ जो नई बसावट करी है। आराम से लेते हैं सर। और क्या इस तरह के मिट्टी के जो घर होते थे पहले के, जो ये घर हैं पहले वाले। ऐसे लीपते थे घर जो दीवार लिपी हुई। मैं तो लुगड़ी निकाल खाते मुझे। मकान भी बन रहे हैं गाँव। तो चलिए अब जा रहे हैं हमारे खेतों की साइड। तो जो नई बसावट है इधर, जो इधर रास्ता है तो गलियों में होके, और यह गली में हमारी शेड मैया है जहाँ हम बांसवाड़ा पूजते हैं और कंगना डोना खेलते हैं जब दूल्हे दुल्हनों को लाते हैं। यह गली में होकर आगे खेत में अच्छा, हाँ नहीं होके जाते हैं। जच के चल रहे खेरे घूम के आते हैं। चलो ये तो भाई ये फिर तो बस हाँ जो तो बाय है बाय से हुआ तड़वान में। तो कोई 18 साल की है। अच्छा मतलब जब से दर्द है तो दोबारा ले जाएगा यार। तो हम जा रहे हैं बाजरे के खेतन में। आज पूछा बाजरे के खेतन में चले तो बड़े बड़े हो गए बाजरे। बादल बैठ गए फाड़ों पे। चल भाई चल चल भाई लठ फाड़ो आगे चल आगे। हाँ भाई तू इधर भाई लठ लेके आगे आगे चल। शेर बघेर कुछ आ जाए। हाँ ये बाजरा गिर गया हवा से। बाजरा गिर गया। ये ना होगा खाना।
हाँ कौन कोई बाजरी की वाला अच्छा लग रहा है। ये देख गिर गया नहीं, बहुत अच्छा बाजरा हो रहा है। अच्छा बंद में तो ये बाजरा है और देखिए नीचे से और आ गई बाल, बाजरे की बाल दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से बाल आ गई, अभी फूल आएगा तब पकेगी बाल। तो मैं उस दिन आई थी, छोटे छोटे थे और देखिए 15 दिन में आए, 10-12 दिन में आए हम। तो ये बाजरे की बाल आ गई और बहुत अच्छा लग रहा है खेत। ये भी बाजरा है, वैसे मस्त है बाजरा, बहुत अच्छा है। तो आज हमारा मन कर गया था चल घूम के आते हैं, बाजरे देख आते हैं और दोबारा टूर लगेगा जब तक ये पक जाएंगे। तो ये हमारे खेतों का टूर, बहुत घास भी खूब हो रहा बाजरे में। हाँ बाजरे तो अच्छे हैं, बस ये अब हवा ना चले, बरसात हो जाए ऐसे ही। तो ये देख गिर गए बाजरे, हाँ ये गिर गए बाजरे, ये बीच में गिर गए थोड़े क्योंकि बढ़ गए ना बाजरे ज्यादा, लेकिन है बहुत अच्छे। तो ये देखिए बाजरे हमारे बहुत बढ़िया है। तो चरिए भैंसों की और ग्वार की खेत है, दुनिया बोर है और हमारे बोर पे भी लेके चलूंगी। ये जो पीपल का पेड़ है इधर, ये हमारा बोर है। इधर आ गए हम खेतों में और इतना अच्छा सीन लग रहा है, बादल भी हो रहे हैं और गांव से बाहर आ गए, ये गांव रह गया पीछे। ये मक्का का खेत है, ये मक्का खड़ी है इसमें और ये बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बाहर आ गया, अच्छा लग रहा है बहुत। दिन में तो क्या निहार लेने जाती है तो उतना गर्मी होती है, दिन में निकलना नहीं होता। देख रहे चल अब शाम को चलेंगे, यहाँ से बाला बन रहा है। ये पड़े पत्थर कितने अच्छे निकल रहे हैं पत्थर, ये अपने डोंगर के हैं कहीं तो कहा अच्छे पत्थर है ना। अच्छा और इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, हवा भी अच्छी चल रही है और बाजरे के खेत मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आपकी कई बार कोई जेठ वगैरह आ जाता है तो सिर पर थोड़ा सा रखना पड़ता है। और ये हमारे खेत अच्छा लग रहा है ना, बाजरे बढ़ गए। जब मैं 15 दिन पहले आई, 10-12 दिन पहले आई थी जब छोटे थे और देखिए कितने अच्छे बढ़ गए बाजरे और पोट आ रही है ये, जैसे ये पोट पे आ गया बाल, बाल आएगी इसके अंदर से अभी। तो ये बाजरे और ये चले गए आगे, किसी के साथ में रह गए पीछे और बहुत अच्छा लग रहा सच में। मौसम भी इतना बढ़िया लग रहा, गर्मी नहीं है बिल्कुल, मैं गर्मी की वजह से आती नहीं हूँ। तो मैं आपको दूसरे तीसरे दिन दिखाऊँ कैसे कैसे बढ़ रहे हैं ये बाजरे के। और क्या है बहुत जंगल है तो कीड़े वीड़े का भी डर लगता है थोड़ा सा। और मैं आ गई बिल्कुल ऐसे फड़ी और मैंने कुरे इधर देखी पर अभी आ नहीं रही मूँगफली, अभी बैठेगी एक एक, एक 10-15 दिन बाद आ जाएंगी। कितना अच्छा लग रहा पत्ता मूँगफली का, ये क्या बोल रहा कि भिंडी है बन का पेड़ जैसे रुई बनाया तो रुई का पेड़ है ये, अभी आएगी नहीं अभी वो, ये बन का पेड़ है जिसमें रुई बनाया तो एक बड़ा पेड़ हो रहा है ये बन का। इधर पपीता के है, इसी हो अच्छा। तो ये बता रहा है और ये रखवाली कर रहा है यहाँ ग्वार की। और ये झोपड़ी है जहाँ मतलब ये कोठी है, कुआं है मतलब, तो यहाँ से मोटर लग रही है और ये इसमें एक जना सोता है रात को
और दिन में भी बैठे रहते हैं। ये छान है और इसे ठंडी रहे गर्मियों में, मई जून के महीने में इसी में बैठे रहते हैं। और ये है ग्वार के खेत सारे, इधर लंबे वहाँ तक करो वहाँ तो सब ग्वार के खेत हैं। मतलब किसी जैसे कहीं बाजरे बो दिए तो कहीं ग्वार बो दी तो। और इधर जो पहाड़ आ गए तो ये पहाड़ भी आ गए पास में। आती हूँ झोपड़ी में जो छान है, तो ये अंदर है तो इसमें कपड़े भी टंग रहे हैं। और ये खाट है, इसमें खाट भी छुड़ी है। ये दीवार है इसकी छान की इस तरह से, तो ये यहीं सो जाते हैं, यहीं दिन में नहा लेते हैं, कपड़े टंग रहे हैं। और ऊपर तिरपाल टांग दी ताकि पानी नहीं आए बरसात में। मोटर चल रही है, मोटर की आवाज आ रही होगी। तो ये छान है, कमरा बना रखा है, एक तरह से खाट पे सोते हैं आराम से। ये गेट है इसका, ये गेट बना दिया अदर। और ये ग्वार का खेत, गिर गई ग्वार भी। तो ये कुआं है और उनको पास में जा नहीं सकती, डर लगता है। और देखिए ये चिड़ियाओं के घोंसले रखे हैं, पीपल का जो पेड़ है कुआं में, तो मैं आपको पास में से दिखाती हूँ। ये घोंसले इस तरह से घर बना लेती है चिड़िया, ये घोंसले हैं। और इतना अच्छा बना रखा है जैसे इंसान भी नहीं बनाता, इस तरह से बना रखा है ये घोंसले। कुआं में लटक रहे हैं, यहाँ बैठती हैं रात को, अपना घर बना रखा है सबने। वो ये कुआं है, घास कितना अच्छा हो रहा है। और नीचे से बाजरे का पेड़ इस तरह से मजबूत हो गया, देखो ये जैसे जैसे गन्ने का होता है इस तरह से, और ऊपर तक इस तरह से हो गया। ये इतना लंबा हो गया मेरे से तो काफी लंबा हो गया, तो बहुत लंबा निकल गया। उस दिन जब आई थी तो मेरे घुटने तक था ये, और आज मेरे सिर से ऊपर जा रहा है। अच्छा लग रहा है बाजरे के खेत में, सच में आज हवा भी अच्छी चल रही है, देखिए हल रहे हैं ना बाजरे, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है आज। और हम घूम के आ गए आज हमारे खेतों को, आपको टूर करवा दिया जो बाजरे के खेत थे। और तिलों के खेतों में मैं उस दिन गई लेकिन कोई साथ में था तो वीडियो बना नहीं पाई ढंग से, अच्छा भी नहीं लग रहा था कि किसी के साथ जाओ, और गाँव वाले लोग थोड़ा सा ऐसे करते भी हैं। तो ये हमारे खेत, और आज हवा भी अच्छी चल रही है, बाजरे हिल रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है। ये चल जा रहे हैं आगे आगे, कह रहे चलो अब दिन छिपने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताइए कमेंट करके कि हमारे खेत कैसे लगे और बाजरे कैसे लगे। बाजरे तो बहुत अच्छे हैं, और ये देखिए बाल, ये बाल आ गई, ये बाल है बाजरे की, अभी आने लगी है। और जब पक जाएंगे तभी मैं आपको दिखाऊँ ये बाल, और जब पक जाएंगे दाना आ जाएगा इसमें, अभी दाना बिल्कुल भी नहीं आया है। जब दाना आ जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, पक जाएगा कटेगा तब तक मैं आपको दिखाती रहूंगी। और घूम कर इतना अच्छा लग रहा है, सच में चेहरे पर रौनक आ गई। खेतों में इतनी अच्छी हरियाली हो रही है, और घर पे तो क्या गर्मी सी, ऐसे ज़्यादा कूलर चला के बैठ जाए, एसी चला के बैठ जाओ, और बाहर बहुत अच्छी हवा लग रही है आज। और खेतों में भी इतनी देखो जो हरियाली, आप लोगों को भी घुमा के लाई, आप लोगों को मेरे को कॉमेंट करके बताना कैसे लगे हमारे खेत। और अब डेली जाया करूँगी शाम के टाइम, क्योंकि मौसम इतना सुहाना लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब वैसे आगे 6 बज गए, अब चाय बनाऊंगी, चाय बना के ग्वार की फली उबाल के रख दी थी तो उनको बनाऊंगी। अभी सुबह तोड़ के रख दी थी लेकिन सुबह बनाई नहीं थी दिन में, तो अब बनाऊंगी। तो बस तो उसको चोट चाट के रख के चली गई थी, छोंकनी और लहसुन भिगो रखा था, तो अब बनाऊंगी मैं ग्वार की फली और चाय की बोल रहे हैं, चाय बनाऊंगी। और आगे घूम कर बहुत अच्छा लगा, तो आपको ऐसे ही मैं अपने खेतों के टूर कराया करूंगी, क्योंकि अब घर बैठे बैठे क्या करूँ, खेतों में तरफ चले जाओ तो अच्छा लगता है। और हरियाली आजकल तो इतनी हरियाली हो रही है, बाद में तो राजस्थान में आपको पता ही है कितनी आंधी तूफान और धूल मट्टी उड़ती है मई जून में, तो यही दिन है घूमने के, मतलब यहाँ गाँव का तो मौसम यही अच्छा लग रहा है।
मतलब यहाँ तो फिर भी कीचड़ काचड़ दिख रहा है, कीड़े वीड़े दिख रहे हैं। खेतों में इतने शुद्ध बाजरे और हरियाली इतनी अच्छी लग रही थी कि मतलब ऐसा मन कर रहा था कि, और हवा भी यहाँ बिल्कुल हवा नहीं लग रही, और वहाँ इतनी अच्छी हवा लग रही थी खेतों में कि बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। चेहरा ही खुले उठा, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा मुझे था। ऐसा लग रहा कि जैसे मैं वहीं से नहा धो के आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था खेतों में, जैसे सारी रौनक बाजरों के हमारे ऊपर ही आ गई, इतना अच्छा लग रहा था। तो चला करेंगे और आपको ले दूंगी। अब तिल के खेत थोड़े दूर हैं, उस दिन गई थी तो उस दिन ही मैं रात को आ गया, बोली बुरी हालत होगी, खाना नहीं बना, दूर है थोड़ा, जो पहाड़ से उधर है तो वहाँ थोड़ा कभी कभी जाना होता है, लेकिन एक दिन लेके चलूंगी। उस दिन गई थी तो उस दिन तो कोई साथ में था, उस वजह से मज़ा नहीं आया, ऐसे गए रहे, तो इनके साथ चलूंगी, तो घूमते घूमते चलेंगे तब लेके चलूंगी। और बस हो गया घूम के आगे। और आप लोग बताना कमेंट करके, आप लोग कैसे हो और आपके यहाँ मौसम कैसा है, बरसात हो रही है, कितनी हो रही है। हमारे यहाँ तो आज तो नहीं हुई, थोड़ी सी हुई,